बोर्ड परीक्षाओं का मौसम चल रहा है। कई राज्यों की बोर्ड परीक्षाएं खत्म हो चुकी हैं, तो वहीं कई राज्यों में अभी बोर्ड परीक्षा शुरू होने वाला है। और जहां जहां बोर्ड परीक्षाएं खत्म हो गई हैं, वहां पर कॉपी जांच की शुरुआत भी होने वाली है। और बिहार में तो कॉपी जाँच शुरू हो भी चुका है। इंटर का तो आज कॉपी जाँच करने का, कॉपी चेक करने का आखिरी दिन है। अब इंटर का ये ताज़ा मामला है कि देखिए, बोर्ड एग्जाम की कॉपियों में छात्र उल्टी सीधी बातें तो लिखते ही हैं, ये कोई नया मामला नहीं है, लेकिन इस बार तो इंटर के छात्रों ने हद ही कर दिया। हद कैसे कर दिया भाई, तो यहां तक के जो परीक्षक होते हैं, एग्जामिनर होते हैं, कॉपी चेक करने वाले शिक्षक होते हैं, उनको धमकी तक दे डाला कि भैया पास नहीं किया तो आपको छोड़ेंगे नहीं, बहुत मारेंगे। साथ ही अलग अलग तरह की बातें अपनी कॉपी में छात्रों ने लिखा है। किसी ने लिखा कि अकबर जो थे समस्तीपुर में पैदा हुए थे, गोपुरम का मतलब होता है गाय का पैर। और ये सारी बातें कहाँ लिखा इन्होंने, तो चाहे कॉपी इतिहास की हो, चाहे कॉपी फिजिक्स की हो, सभी तरह की कॉपियों में, सभी सब्जेक्ट में इंटर के छात्रों ने उल्टी सीधी बातें कुछ भी लिख दिया है। आंसर याद ना होने पर कुछ भी उन्होंने लिख डाला। किसी ने रिक्वेस्ट किया, किसी ने ब्लैकमेल किया, किसी ने कहा कि शादी टूट जाएगी इसलिए पास कर दीजिए। तो परीक्षक भी कह रहे हैं कि कई कॉपियाँ बेहद अच्छी हैं, तो कई में ऊल जलूल जवाब लिखा हुआ है। कॉपियों की जांच में लगे एग्जामिनर ने कहा कि कई कॉपियां बेहद अच्छी है, जिसमें पूरे अंक तक मिल रहे हैं, यानी कि फुल मार्क्स मिल रहा है कॉपी जांच करने में, कॉपी चेक करने में। वहीं बड़ी संख्या में ऐसी भी कॉपियां हैं जिसमें जवाब की जगह पर छात्रों ने ऊल जलूल चीजें लिखी हैं। अब ये ऊल जलूल चीजें है क्या, देखिए एक छात्र से पूछा गया कि कार्बन डेटिंग क्या है, जवाब में छात्र ने क्या लिखा कि मोटरसाइकिल में इसका उपयोग होता है। यहां पर देखिए क्या होता है भाई, कार्बन डेटिंग तो मोटरसाइकिल में इसका उपयोग होता है। कुछ ने लिखा कि सर शादी टूट जाएगी पास कर दीजिए। यही नहीं, जवाब में जो है गोपुरम जब पूछा गया कि गोपुरम का अर्थ क्या होता है, तो एक ने लिखा कि गोपुरम का मतलब होता है गाय का पैर, दूसरे ने लिखा कि क्या आपने गोपुरम देखा है, वहीं तीसरे ने क्या किया कि यही गोपुरम क्या है, गोपुरम क्या है 10 बार लिख दिया। हो गया भाई आंसर। अब जरा सोचिए कि इस तरह का आंसर लिखने से नंबर मिलेगा, बिल्कुल नहीं मिलेगा। फिर सवाल एक पूछा गया था कि कार्बन 14, ये जो कार्बन 14 है ये क्या होता है, इसके जवाब में एक छात्र ने लिखा कि कार्बन विधि में निरंतर झर विधि को कहा जाता है। और एक परीक्षार्थी ने वही अकबर का जन्म स्थान कहाँ बना दिया, तो भाई जोधपुर को बना दिया, दूसरे ने समस्तीपुर बना दिया और तीसरे ने दिल्ली बना दिया। मतलब अकबर को इन्होंने कहाँ कहाँ पैदा कर दिया। अब इस तरह की बातों को लिखने से क्या नंबर मिलेगा, आप खुद ही सोचिए। एक छात्र ने तो हद ही कर डाला, धमकी तक दे डाली। इसमें आप देखिए, यहाँ पर खगड़िया का न्यूज है कि मैट्रिक बोर्ड परीक्षा की यह खबर है, वो भी बिहार बोर्ड की, कि इसके उत्तर कॉपी में यानी कि आंसर शीट में परीक्षार्थी ने पास कराने की अनुरोध भी की, तो बड़ा अजीब तरीके से। क्या लिखा, एक परीक्षार्थी ने लिखा अपने उत्तर कॉपी के अंतिम पन्ने पर कि परीक्षा में पास कराना आपका काम है, पास नहीं किए तो बहुत मारेंगे। लीजिए भाई, अब पास कराना काम है इसका मतलब क्या, आप कॉपी में कुछ लिखेंगे तब ना पास होंगे भाई, कि बिना लिखे ही आपको धमकी देने से पास कर दिया जाएगा, ऐसा थोड़ी होता है। तो इस तरह की बातें लिखने से कभी भी नंबर नहीं मिलता, लेकिन इस तरह की घटनाएं हर साल आती हैं और इस साल तो छात्रों ने हद ही कर दिया। तो कॉपी जांच में अलग अलग तरह की इंटरेस्टिंग घटनाएं सामने आ रही हैं। अब कॉपी जांच कहां तक पहुंचा, रिजल्ट की प्रक्रिया कहां तक पहुंची, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे अगली वीडियो में। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही।